है, लेकिन आईटी सेक्टर पर आपका स्टांस क्या है? क्योंकि भारतीय बाजार में आईटी सेक्टर में हमने कल अच्छी खासी मजबूती देखी, पिछले एक हफ्ते में एक्शन नजर आ रहा है, लेकिन विदेशी बाजार में टेस्ला के नतीजों के बाद नैसडैक में गिरावट भी रही। अब आईटी सेक्टर ग्लोबल कंसर्न के साथ भी कनेक्टेड है, तो इसे समझते हुए क्या 2023 के लिए आईटी सेक्टर पर नजर रखनी चाहिए? तेजी दिखेगी या फिर कह सकते हैं कि डाउनफॉल या करेक्शन नजर आ सकता है, वन ऑफ यहां पर इस वक्त एक्शन दिख रहा है? मैंने से आईटी स्टॉक्स के लिए जो साल जा रहा है, ये 2008 के बाद का सबसे बड़ा गिरावट का साल रहेगा। 2008 के अंदर आईटी का जो इंडेक्स था वो 50% गिरा था, इस साल 20 से ऊपर ज़्यादा फीसदी गिरा है, तो जो गिरावट आई है ज़बरदस्त गिरावट आई है। मगर 2008 के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था कि सरकारों ने क्वांटिटेटिव ईजिंग चालू करी थी और इकॉनमी को उन्होंने काफ़ी मनी प्रिंटिंग की वजह से मदद करी थी, जिसकी वजह से 2009 और 10 के अंदर आईटी सेक्टर में अच्छा कमबैक हुआ था। तो मुझे नहीं लगता है कि इस समय वैसा होगा, बिकॉज सिचुएशन अलग है। इस समय ए, आईटी स्टॉक्स गिरे हैं मगर अभी भी सस्ते नहीं हैं। बी, मुझे लगता है कि 2023 को लेकर के रिसेशनरी कंसर्न्स और आएंगी। तीसरा, जिन भी आईटी कंपनीज से हम बात कर रहे हैं, हालांकि वो हमें ये तो बता रहे हैं कि एट्रिशन को लेकर के चिंताएं कम हो रही है, मगर मैं ये भी अगर आप देखें तो एक प्रकार का इंडिकेशन है कि अगर एट्रिशन में गिरावट आ रही है तो जाहिर है कि आपकी कंपनी में एट्रिशन या सेक्टर में एट्रिशन कब आता है, जब उस पर्टिकुलर स्किल सेट की या उस बिज़नेस में ग्रोथ आ रही होती है। तो अगर एट्रिशन कम हो रहा है तो मैं एक प्रकार से ये भी इसको इस प्रकार पे प्रकाश डालूंगा कि इस समय सेक्टर में एक प्रकार का जो बहुत बड़ी जो रैली हमने देखी थी बिज़नेस के अंदर हमने देखा था चमक आ रही थी, वो चमक भी फीकी पड़ रही है। कुल मिलाकर के आईटी स्टॉक्स में भी बचना चाहिए, आईटी स्टॉक्स को लेने का समय आएगा, मगर मेरे हिसाब से वह समय मार्च या अप्रैल के नतीजों के बाद आएगा।